हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी प्रोग्राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर हमें 12th सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास, जिसमें बात करेंगे ऑटम के एक यूनिट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखें जरा बात करते हैं। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बेंड्स वगैरह कंप्लीट करा दिए थे। आई होप आपको आप ये इमेजन स्पेक्ट्रम वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक टॉपिक है और ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो ध्यान रखेंगे आप, आज के टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? देखो जी, अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए जरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या और बनता कैसे, दोनों चीजों के बारे में यहां पर बात करेंगे खुल के, क्योंकि बच्चा याद रखना इस चैप्टर में से इसके ऊपर ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। क्लियर बात समझ में आ गई? हमको सीधी सी बात पता है क्या कि किसी भी बीच के न्यूक्लियस में सराउंडिंग में क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं। और ये बात मैंने आपको बताई है क्या कि ऑर्बिट अपर लेवल से कहां जंप करता है, लोअर लेवल में जंप करता है। ये बात तो हमको सबको पता है कि अपर लेवल से कहां पर जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है लोअर लेवल में करता है। समझ में आ गया? और ये जब जंप करता है ना तो कुछ वेव्स यहां पर ये क्रिएट कर देता है और यही आपका क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये सारी बातें जब हाइड्रोजन के लिए होती है तो यही बन जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसकी डिफाइनेशन कैसे लिखेंगे आप, देखो जरा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम अपर ऑर्बिट इनटू लोअर ऑर्बिट। समझ में आ रही है बात? यानी दिस इमिटिंग आ स्पेक्ट्रम, दिस इमिटिंग आ स्पेक्ट्रम is called hydrogen spectrum। ये जो emitting करता है इसी ही मिलके क्या बनाता है, hydrogen spectrum बनाता है। clear बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए जरा, इसमें एक बात याद रखेंगे आप क्या, now hydrogen spectrum has five series। समझ में आ रही है बात? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितनी सीरीज बनाता है, पांच तरह की सीरीज बनाता है और ये पांच आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। देखें जरा कौन कौन सी सीरीज बनाता है। अगर हम बात करें तो पहली सीरीज बनाता है, देखो इसको मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, पहली सीरीज बनाता है लाइमन सीरीज। आ रही है बात समझ में? सेकेंड बनाया जाता है बामल सीरीज, एल साइलेंट रहता है। ठीक है, थर्ड बना देता है पास्चन सीरीज, फोर्थ बना देता है ब्रेकिट सीरीज। ठीक है, और फिफ्थ बना देता है पफन सीरीज। बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ गई बात? अब ये पांचों की पांचों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन यही से आता है, बस इनको नंबर से आप याद रखिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। और ये सारी मिलकर क्या बनाती है, याद रखना, इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये पांच की पांच सीरीज मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाती है। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज फाइव सीरीज। नाउ द सीरीज इज लाइमन सीरीज, बामल सीरीज, पास्चन, ब्रेकेट, पुफन। ठीक है, ये पांच की पांच सीरीज को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे यहां पर और आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आज के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा जरा आगे। सबसे पहले टॉपिक को उठा लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट को उठा लेते हैं, लाइमन सीरीज को। ठीक है, एक एक करके वहां पर लिखना स्टार्ट करूंगा और आप चीजें समझते रहेंगे। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो क्या लिखेंगे यहां पर, देखना जरा। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, देखो यार, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन
इज जंप फ्रॉम अपर लेवल इनटू फर्स्ट लेवल ऑर्बिट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे आप, लाइमन सीरीज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जब आपका अपर लेवल से पहले ऑर्बिट में कूदेगा, फर्स्ट में, देखो पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, लाइमन लिखा हुआ है, तो लाइमन की क्लास का नंबर क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से कहां पर कूदता है, पहले में, यानी कहने का मतलब यह है N1 का मतलब 1 हो गया है ना, और ऊपर तो N2 है ही आपका अपर लेवल, इस N2 को आप क्या बोलेंगे, अपर लेवल बोलेंगे, अभी अपर लेवल कुछ भी हो सकता है, समझ गए, अपर लेवल ये N2 यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आगे की बात को लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ द वेवलेंथ इज गिवन बाय, अगर मैं आपसे पूछूं वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हालांकि मैं उसको आगे कराऊंगा, ये पहले कराना था, कोई बात नहीं, अगर मिस हो गया तो आगे बता देंगे। तो 1 अपॉन लैम्डा कितना होता है, अगर मैं पूछूं आपसे, देखना है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना बनेगा भैया, आर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ गई। और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब N2 से ट्रांसफर, N1 से N2 से कहां पर जंप करता है, N1 में, है ना, ये N2 क्या होता है याद रखेंगे, अपर उच्चतम ऊर्जा स्तर और ये होता है लोअर निम्नतम ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो देखना जरा यहां से कितना जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन N1 की जगह पर क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। और यहां से एक बात याद रखेंगे क्या, वेयर अभी जो N2 ये अपर लेवल है, पहली कक्षा में कुछ जंप कराना है, यानी क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 2, 3, 4, 5 एंड सोन इन्फिनिटी कहीं तक भी हो सकता है, बस एक में कूदना है तो 2 से ही तो कूदेगा, नीचे से थोड़ी आ जाएगा निकल के, समझ में आ रही बात है नहीं, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो बताएं जल्दी जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो और ये कौन से रीजन में बनती है, इसको लिख लेंगे आप, रीजन इज अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी इसको आप देख नहीं सकते, यानी क्या होती है, अनसीन होती है, इसको भी आप याद रखिए अच्छे से। क्लियर आगे बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात समझ में आ रही, ठीक है। अब यहां से दो बातें और नोट करके लिख लेंगे आप, मैं स्क्रीन चेक कर लू एक बार, हाँ स्क्रीन एकदम बढ़िया है, नोट करके दो बातें यहां से आप नोट कर लेंगे, क्या देखो नोट नंबर 1 लिखेंगे, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, इसी के नीचे लिखना है आपको, अगर मैं पूछूं आपसे मैक्सिमम और 1 मैं पूछूंगा आपसे मिनिमम, अगर मैं मैक्सिमम आपसे पूछूं तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ और यहां पर भी मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं पूछूं आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए मिलती है, तो याद रखना फॉर n बराबर 2 के लिए मिलती है, और कितनी आती है 216 एंगस्ट्रॉम आती है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत पास से कूदेगा n बराबर 2 से कूदेगा, ठीक है। अगर मिनिमम की बात की जाए तो N2 अगर कहां पर हो, अगर इंफिनिटी से जंप करता है, अगर इंफिनिटी से जंप करता है तो कितना आ जाता है, मिनिमम आता है 912 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, यहां तक की बात किसी को कोई दिक्कत, चलें जल्दी से बताएं जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, जो बातें आपको समझ में ना रही आ गया समझ में, चलो नेक्स्ट बात को स्टडी करते हैं, देखें जरा अब आ जाता है आपका बाबर सीरीज, बाबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है। चलो जी हाँ, और बात थोड़ी बहुत की बातें चेंज होगी, बाकी आप यहां से करना नहीं है ना, देखो जरा अब यहां पर क्या बताया गया, अगर हम बाबर की बात करते हैं, देखो जी बाबर में क्या बताया गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम अपर लेवल इनटू, क्या लिखेंगे आप, सेकेंड लेवल, अपर लेवल इनटू सेकेंड लेवल ऑर्बिट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, और N2 कितना लेंगे यहां पर बोलो जरा, यानी इस बार कहां पर, देखो दूसरे नंबर पर कौन है, बाबर है, तो दूसरे ऑर्बिट में इसको जंप कराना है, अपर से कहां कूदेगा, दूसरे में, लोअर इस बार 2 है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, सॉरी ये तो N1 ही रहेगा,
और यहां पर टू का स्क्वायर मिल जाएगा। और वैल्यू जब दो में जंप कराना है, अब इस बार कहां जंप कराना है, दो में जंप कराना है, तो कहां दो में जंप कराने का मतलब है तीन चार पांच इनसे ही कूदेगा। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, है ना, क्लियर आ गई है ना, नहीं आ गई बात समझ में, जल्दी से बताना जरा, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। और याद रखना क्या, ये कौन से रीजन में बनेगा, ये विजिबल रीजन में बनता है, ये विजिबल रीजन में बनता है, समझ में आ गया बात, ये मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर यहां पर कोई नहीं, बताना जरा यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर इतनी बात। चलो अब यहां से आप कुछ नोट लिख लेंगे क्या, देखो जरा यहां पर मैं आपको बनवा देता हूं, हाँ इसी वाले पॉइंट में लिखना है, बामर वाले भी देखें ये लिखते हैं, अगर मैं यहां पर लिखूं आपको नोट नंबर वन और यहां पर नोट नंबर टू और यहां पर नोट नंबर, चलिए दिखाई तो दे रहा ना भैया, देखो अगर मैं बात करता हूं एच अल्फा एच बीटा और एच गामा, ये तीन सीरीज ये टाइप है बामर की, आप ऐसा समझ ले बामर की तीन टाइप है। एच अल्फा कब बनता है याद रखना, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड से कहां पर जंप करता है, दो में जंप करता है, ये बात आप याद रखें। एच बीटा कब बनता है, जब फोर से जंप करता है टू में अपर लेवल, देखो यहां पर तो दो फिक्स है, यहां पर तीन है फिर चार है और यहां पर आ जाएगा पांच, जब पांच से दो में जंप कराता है तब भी, यानी जंप दो में कराना है, ये बात याद रखना, दो में जंप क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन है बाबर, मैंने क्या कहा इनको नंबर से आप याद रख रहे, नंबर वन पर लाइमन है तो पहले ऑर्बिट में जब जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो लाइमन सीरीज बनेगी, दूसरे नंबर पर बाबर है तो दूसरे ऑर्बिट में जब जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा जंप करेगा तो क्या बनेगा, बाबर सीरीज बनेगी, क्लियर है यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट बात चले देखिए, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन थर्ड, चले भाई ये सारी चीज यहां से हट जाएगी, देखेंगे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन थर्ड नंबर पर है, यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम अपर लेवल इनटू थर्ड लेवल ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड, और यहां पर एन वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है थ्री का स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा, जो बनेगा फोर फाइव एंड सो, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये इंफ्रारेड रीजन आता है, इसको लिख लीजिए आप, ये इंफ्रारेड रीजन आता है, समझ में आ गया, चलो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए जरा ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे की बात को पढ़ते हैं, क्या नेक्स्ट बात आ जाता है आपका ब्रैकेट सीरीज, और ब्रैकेट आपको क्या बात कहती है देखना यार, ब्रैकेट आपको क्या कहता है कि when an electron is jump from upper level into कौन से लेवल में जंप करेगा, फोर्थ में, फोर्थ ऑर्बिट में जंप कराना है, यानी कहने का मतलब ये है कि फोर में ये कूदेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर, और फोर में अगर जंप कराना है तो लाजमी सी बात है पांच से ही कूदेगा, फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है यहां पर, आगे बात समझ में, ये ब्रैकेट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, पफन, यानी कहने का मतलब ये है अब कहां पर जंप करेगा, फिफ्थ में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट में जब जंप करेगा तो एन वन फाइव हो जाएगा और यहां पर क्या जाएगा, फाइव का स्क्वायर, यानी अब फाइव हट जाएगा यहां से तो जंप करेगा सिक्स सेवन एट एनीथिंग एल्स, समझ में आ गई बात, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर इतनी बात, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत, यही हमारा क्या था बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और वो नोट कर लेते हैं फिर ये सारा करते हैं, है ना, इसके डायग्राम को भी मैं अभी दिखा देता हूं आपको, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसको याद रखना, जैसे एच अल्फा के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर जंप कर रहा है, एच अल्फा का मतलब यह है एच अल्फा किस किस सीरीज है, बामर की, बामर कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, एच अल्फा क्या पहली सीरीज है बामर की, यानी कहां पर जंप कराना है बामर का मतलब सेकंड में जंप कराना है तो पहली रे कहां से मिलेगी, जब तीन से कूदेगा, एच बीटा कब मिलेगी, जब चार से जंप करेगा, एच गामा कब मिलेगी, जब पांच से जंप करेगा, ठीक है इस तरीके से आपको याद रखना है। चलें अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखें यार ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया कहां से इसको हम देख लेते हैं, ठीक है V
वेवलेंथ इन इमिटिंग रेडिएशन, है ना, हमको पता है का डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं पूछूं आपसे, देखो अगर मुझको अलग अलग रेडिएशन फाइंड करनी हो तो रेडिएशन फाइंड करने का केवल एक ही तरीका है, क्या, ई टू माइनस ई वन, है ना, यहां से आ जाएगा एक्स अपॉन लैम्डा। और मुझको पता है कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, माइनस के आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा माइनस के आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। चलो जी, एच सी अपॉन लैम्डा, ये जो फॉर्मूला लगा रहे थे ये मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर एच सी तो वैसे भी बाहर आ गया, ये वन अपॉन एन वन स्क्वायर आगे आ गया और ये माइनस वाला पहले आ गया, आर एच सी बाहर है तो अंदर आएगा एन टू का स्क्वायर, एच सी से एच सी कैंसिल तो ये आ गया वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू, बताओ कितना बनेगा, आर इन टू वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। क्लियर आ गया बात समझ में, और यही तो फॉर्मूला हर जगह लगा रहे थे, बताना जरा, यही तो फॉर्मूला यूज कर रहे थे हर जगह, बच्चा लोग देखना जरा, आ रहा था ना वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इन टू वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, इतनी बात क्लियर आ गई। यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, कोई खतरनाक चीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं कहलाती है, समझ में आ गई बात। चलो इसके ग्राफिक भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, देखना जरा। अब स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा हूं, देखो अभी रुक जाओ, ये लो जी, अब एनर्जी लेवल आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो सबसे ऊपर कौन है इन्फिनिटी और सबसे नीचे कौन है पहला ऑर्बिट, जब इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में कूद रहा है तो क्या नाम कह रहे हैं इसको, हम लाइमन कह रहे हैं। जब इन्फिनिटी से ऊपर से कहां पर कूद रहा है सेकंड में तो उसको बाबर कह रहे हैं, जब ऊपर से थर्ड में कूद रहा है तो उसको पास्चर कह रहे हैं, जब ऊपर से कहां पर कूद रहा है फोर्थ में तो ब्रैकेट, फिफ्थ में जंप कर रहा है तो पफर्ड सीरीज कहते हैं, इसी को कहते हैं हिंदी में आरेख, है ना, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये न्यूमेरिकल में भी आपसे कई बार पूछ लेगा, समझ में आ गई बात भैया। चलो जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, अब इससे आगे की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा बच जाता है उसके बाद चैप्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू बन जाएगा चैप्टर का। देखिए यार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, कई बार पूछ लिया जाता है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। अब देखो बोहर के मॉडल हमने पढ़ा, तीन इसके मजबूत स्टेटमेंट थे, एक तो क्या था अगर मैं पूछूं आपसे, याद नहीं होगा, पहला क्या था, सबसे पहला ये था कि कोई भी ऑर्बिट किसी भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में राउंड नहीं कर सकता है, वो केवल उसी ऑर्बिट में राउंड करेगा जिसमें एच अपॉन टू पाई का क्या बनेगा, वो क्या होगा, फुल इंटीजर होगा, है ना, एमवीआर इक्वल टू एन इन टू एच अपॉन टू पाई। और एक मैंने आपको बताया था क्या कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में ऐसा नहीं है कि बाहर चला जाएगा तो बाहर ही चला जाएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि एन इलेक्ट्रॉन इज जाएगा तो लेकिन 10^-8 सेकंड में फिर दोबारा से रिटर्न हो जाएगा अपने ही ऑर्बिट के अंदर, समझ में आ गई बात। चलो देखेंगे आगे, अब लिमिटेशन की बात देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट है एप्लीकेबल ऑनली फॉर हाइड्रोजन लाइक वाटर, ठीक है, ये केवल हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। डजंट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, की स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को इसने क्लियर नहीं किया है, डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की शेप को इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है भैया। चलो समझ में आ गई होगी बात, लो जी इस चैप्टर का यहाँ पर दी एंड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लिखना ना भूलें, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर कि आपको हमारे द्वारा जो क्लास ली जा रही है कैसी लग रही है, क्या आपको मिस्टेक्स लग रही है, क्या कमी लग रही है, उनको आप अलग से मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम में, मैं फिर आपको कह रहा हूँ वहां पर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आने वाला जितना भी एनसीईआरटी का मटेरियल होगा वो सब आपको ग्रुप्स के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जय हिंद जय भारत।